माँ ने कहा था, बच्चों आज हम आपको इस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि दिनों दिन हम लोग यातायात के नए नए साधन अपनाते जा रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब यातायात के साधन नहीं थे, ना अच्छी सड़कें थी, ना ही मोटर गाड़ियां और ना ही रेलगाड़ी और ना ही हवाई जहाज। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफिलों का सहारा लेते थे। बच्चों काफिला मतलब बहुत सारे लोग जब एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे हम काफिला कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक काफिला एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहा था, पर रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। इसी काफिले में एक 9 वर्ष का बच्चा चुपचाप सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था। जब डाकुओं ने उससे पूछा, तेरे पास क्या है? बच्चे ने माँ के बताए हुए सच को ध्यान में रखते हुए कहा, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। यह बात डाकुओं को अजीब लगी और वे उस बालक को अपने सरदार के पास ले गए। पर यह बात सरदार को भी समझ में नहीं आई। इस पर वह बोला कि सिक्के कहाँ हैं? बालक ने उत्तर दिया, माँ ने इसे सदरी में सिल दिया था ताकि सिक्के सुरक्षित रहें। इस पर डाकुओं का सरदार बालक से बोला कि तुमने इन सिक्कों के बारे में हमें क्यों बताया? इस पर बालक बोला, चलते समय माँ ने मुझसे कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप होता है। बालक की ये सच्ची घटना सुन करके सरदार का हृदय परिवर्तित हो गया कि हम लोग समझदार और बड़े होकर भी भगवान की बताई हुई राह पर नहीं चलते हैं और लूटपाट करते हैं। सरदार ने लूटा हुआ सारा सामान वापस कर दिया और काफिले के सभी लोगों से उस बालक की बहुत ज्यादा सराहना की। बड़ा होकर के वही बालक एक महान संत बना। बच्चों इस पाठ से हमें सबसे प्रमुख शिक्षा क्या मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।